चैनल वेलकम बैक टू माय चैनल योर गर्ल चाय शर्मा हियर। तो थैंक यू गाइस फॉर नॉट अनसब्सक्राइब माय चैनल। जो अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा और मैं वापस आ चुकी हूँ, मेरे पेपर हो चुके हैं खत्म और सारी टेंशन खत्म हो चुकी है। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अभी मेरा रिजल्ट आना बाकी है। तो मैं आ चुकी हूँ दोबारा एक हैक वीडियो के साथ और ये मेरी हैक वीडियो नंबर 4 है। सही नंबर 4 है या 5वीं है यार, देख के मुझे कमेंट में बता देना कौन सी हैक नंबर वीडियो है ये मेरी, है ना, मेरे को खुद को नहीं पता। तो गाइज मैं इस वीडियो में हैक ट्राई करने जा रही हूँ, शायद स्वीट्स हैक। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। इस वीडियो में ये डाल रहे हैं चॉकलेट, चॉकलेट को मेल्ट करके हमारे जिसमें माइस जमाते हैं उसके अंदर डाल रहे हैं, और इसमें इन्होंने डाली है कैरेमल, पीनट्स और कोकोनट। तो चलो यार हम भी ट्राई करते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा लग रहा है। और गाइस देखो मेरे पास यहाँ पे कोकोनट है लेकिन कैरेमल मेरे को यहाँ पे कहीं मिला नहीं, तो मैं वो ट्राई नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं कैरेमल की जगह ट्राई कर रही हूँ जैम्स, क्योंकि जैम्स और चॉकलेट का कॉम्बिनेशन वाह 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 वाह। किस किस को जैम्स और चॉकलेट कॉम्बिनेशन पसंद है कमेंट में बताओ, और मैं जाके अपनी चॉकलेट को मेल्ट करके अभी लेके आती हूँ। ये मेल्टेड चॉकलेट यहाँ पे आ चुकी है, जो हालांकि वो हो रही है, जम रही है जल्दी, तो हम उसे जमाएंगे। और ये रहा हमारा यहाँ पे कोकोनट। तो केला बंदा कितनी वो करेगा, आओ मम्मी। तो ये रही हमारी चॉकलेट, ये हम भरेंगे इसमें। और अब हमें, मैंने तो इसे भर दिया अच्छे से, अब हमें इसमें डालना है एक साइड कोकोनट, तो इस साइड हम कोकोनट डालेंगे। थोड़ा थोड़ा सा कोकोनट चाहेगा बीच में, कोकोनट भर दिया। अब ऊपर से हम दोबारा चॉकलेट भरेंगे इसमें। नहीं मम्मी मेरी चॉकलेट गई। और अब हम इसे पैक कर देंगे। जनरली ऐसे मेरे को एक कोकोनट इतना पसंद नहीं है, लेकिन बना दी क्या पता अच्छा लगे, चॉकलेट के साथ किसको क्या पसंद नहीं आता। और हमें सेकंड बनाएंगे, मैं अपना खुद का जैम साला। हमें चॉकलेट यहाँ पे आधी सी ज़्यादा जम चुकी है इन रियल। मेरी वो दो चॉकलेट निकल चुकी है, और मैंने दो ही चॉकलेट जमाई थी, ज्यादा मैंने जमाई नहीं है क्योंकि मेरा मन था। और काटते हैं, तोड़ के देखते हैं हाथ से। गई तो ये मेरी जैम्स वाली है, देखो जैम्स दिख रहे होंगे आपको इसमें, होपफुली दिख रहे हो, मैंने इसलिए तोड़ी नहीं तो मैं ऐसे ही खा जाती। तो मैं इसे बाइट मारूंगी।
यार ये फुल रिकमेंड करती हूँ, उसे जरूर ट्राई करना, देखो वो। और नारियल वाली, वैसे उनको नारियल इतना पसंद नहीं है। आई एम जस्ट ट्राइंग फॉर यू, तो आप यहाँ पे नारियल देख सकते हो। तो ये नहीं यार अच्छा लग रहा है, क्योंकि नारियल का ज्यादा टेस्ट नहीं आ रहा, चॉकलेट ने सब टेस्ट मार लिया है। और यार 100% रिकमेंड करती हूँ, बनाओ, खुद भी खाओ और अपने घर वालों को भी खिलाओ। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेट पे। ये इस नेक्स्ट सेट में ये बना रहे हैं एक छोटे छोटे पैनकेक्स से, उससे डॉट डाल के मिनी पैनकेक्स बना रहे हो। यार कितने क्यूट लग रहे हैं छोटे 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 पैनकेक्स। और इन्होंने इस पे बटर डाला और बिना मिल्क के सीरियल जैसे इन्होंने कुछ बना दिया है पैनकेक से। तो हम भी बनाने जा रहे हैं अपने मिनी पैनकेक्स। और यार ये इतने क्यूट लग रहे हैं, तो चलो हम भी ट्राई करते हैं। यार इतने क्यूट पैनकेक्स बनाना तो बनता है ना, है ना, है ना, बनता है यार। चलो हम भी बनाते हैं, लेट्स गो। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं अपने छोटे छोटे क्यूट क्यूट मिनी मिनी क्यूट से पैनकेक, जो सिर्फ दिखने में आसान है और क्यूट है, बाकी बनाने में मुश्किल है। और पैनकेक बैटर तो आप लोगों को बनाना आता होगा, जिन्हें नहीं बनाना आता तो मैं उन्हें बताती हूँ। एक बोल में मैदा लो, उसमें दूध डालो, चीनी डालो, और अगर आपको चॉकलेट वाले बनाने हैं कोकोआ पाउडर डालो, और बेकिंग सोडा वगैरह तो मैंने कुछ डाला नहीं है, इनमें डालना है तो वो डाल देना। और देखो भाई बस, और बटर डालना मत भूलना, उससे बहुत तगड़ा अच्छा टेस्ट आता है। तो यही ऐसे ही बनता है, उन चीज़ों को मिला दो, उसका बैटर बन गया और बना दो। यार बहुत आसान है। और यहाँ पे ना ये बहुत मुश्किल था भाई, कसम से हर एक जगह मैं वो कर रही हूँ। ये वीडियो मैंने आधे में बंद कर दी, इससे पहले वाली वीडियो तो मैंने शूट ही नहीं करी, क्योंकि उस वीडियो में सारे पैनकेक सब एक के ऊपर एक चिपक गए थे। कसम से क्या हुआ था ना बनाते बनाते, मेरे को पता है भाई। यहाँ पे छुटकू छुटकू से पैनकेक तैयार है, तेरे मैं छुटकू छुटकू से पैनकेक्स। और यार आप लोगों ने तो देखा मैंने कितना गंदा मैस जब किया है, लाइक रियली पहले तो ढक्कन से निकल ही नहीं रहा, फिर मेरे को गुस्सा चढ़ा, मैंने ढक्कन निकाला, साइड में फेंका और बोतल से ही करना स्टार्ट किया। उसके बाद थोड़ा ठीक हो गया। और ये रे, और जनरली एक बात बोलूं, ये छुटकू छुटकू इतने क्यूट लगते हैं, लेकिन बनाना इन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको बनाना है तो बना लेना, लेकिन आई प्रेफर आप बड़े ही बनाओ, ये सिर्फ दिखने में क्यूट है, बनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो यार इसका क्या जबरदस्त है, मैं जो पहले बना रही थी ना, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही मक्खन डाल दिया था, वो आप देख लेना, कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था। तो मैं ज़्यादा बकवास नहीं करती हूँ और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हैक पे। और यार टेस्ट बड़ा तगड़ा आ रहा है, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। ये हैक आपने लगभग सभी हैक्स वीडियो में देखा होगा, कि ये लोग सिर्फ ओरियो के अंदर दूध डालते हैं, उसे बेक कर देते हैं और केक बन जाता है। ये बहुत सिंपल है और ये बाहर देश का ओरियो है, ये इंडिया में नहीं बना है, तो वाई नॉट हम इंडिया के बिस्किट के ट्राई करें। सॉरी उल्टा है, पाल ले दीजिए फर्जीनिया समाई तरह, मेरी तरह हम दोनों मैच भी कर रहे हैं, क्योंकि हम दोनों जीनियस है ना, दोनों है ना। तो अब ये मैं सेम है ट्राई करने जा रही हूँ पार्ले जी के साथ, सिर्फ दूध मिला के और इसे बेक करने वाली हूँ। तो देखते हैं कि इसका केक बनेगा कि नहीं बनेगा, और मैं वैसे श्योर हूँ कि बन जाएगा, क्योंकि यार सब बिस्किट को बनाने का तरीका एक ही होता है जहाँ तक मेरे को पता है। तो लेट्स गो एंड देखते हैं कि इसका केक बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं पास होती हूँ या फिर। सो लेट्स गो। ये मैंने मिक्स कर लिया है और गाइस मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अब
इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी है, ठीक है, केक वाली कंसिस्टेंसी है इसकी। और देखो यार, मैं अकेली बंदी हूँ तो वीडियो प्रोवाइड करने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो अब मैं जाके इसे बेक करती हूँ। और यार मेरे को बताना, आपको पता है एक फन फैक्ट बताती हूँ, मैं ना बचपन में जब छोटी थी ना, तो दूध के अंदर पार्ले जी को डाल के ऐसे बना के उसे खाती थी और मेरे को बहुत टेस्टी लगता था, और मैं ये अभी भी करती हूँ। तो पहले मैं जाती हूँ और इसे बेक करती हूँ, और हमारा पार्ले जी का केक मेरे को लगता है कि बन जाएगा। मेरा यहाँ पे ये तैयार हो चुका है, ये देखो मेरा केक यहाँ तैयार हो चुका है और गर्म है। मैं ले आई उसे उतार के, और देखते हैं कि मेरा है पास होता है कि नहीं होता, क्योंकि उनके में तो हो रही था, मैंने तो पार्ले जी से बनाया है। तो लेट्स सी, चीनी कम है, चीनी आपको डालनी पड़ेगी, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालना पड़ेगा। इट्स मेनली ये 50-50 है, इतना अच्छा नहीं बना है जितना ओरियो का बनता है, क्योंकि ओरियो में क्रीम होती है और ऊपर से उसमें मीठा भी बहुत ज़्यादा होता है, और हमारे पार्ले जी में इतना मीठा नहीं होता, तो उस हिसाब से ये अच्छा बना है। बस चीनी की थोड़ी सी कमी हो चुकी है, तो और थोड़ा सा वो है, मॉइस्ट नहीं है जो होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से 50-50 है, तो मेरे को तो अच्छा लगा। और अगर आप और अगर आपको आज के हमारे सारे हैक्स पसंद आए, तो इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। और अब मैं आपसे मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में, तब तक ले बाय।